मुझे पत्रकारों ने पूछा गुजरात में मुकाबला किस पार्टी से है, गुजरात में मुकाबला किससे है? गुजरात में हमारा मुकाबला महंगाई से है, गुजरात में हमारा मुकाबला गरीबी से है, गुजरात में हमारा मुकाबला भ्रष्टाचार से है। खा गए लूट कर देश को, हमारे देश के नेता इस देश में खाते हैं, इसीलिए उनके विदेश में खाते हैं। लेकिन मैं आपको धन्य मानता हूं भाई, 27 साल हो गए पेड़ की पार्टी चल रही है, हर साल पेड़ भी पत्ते बदल लेता है, आप तो बदल लो। पत्रकारों ने पूछा गुजरात में मुकाबला किस पार्टी से है, गुजरात में मुकाबला किससे है? बीजेपी से, कांग्रेस से? मैं कह नहीं, गुजरात में हमारा मुकाबला महंगाई से है, गुजरात में हमारा मुकाबला गरीबी से है, गुजरात में हमारा मुकाबला भ्रष्टाचार से है, गुजरात में हमारा मुकाबला पेपर फोड़ने वालों से है, गुजरात में हमारा मुकाबला हमारे बुजुर्गों के हिस्से की दवाई खाने वालों से है, गुजरात में हमारा मुकाबला हमारे बच्चों के हिस्सों की शिक्षा और पढ़ाई खाने वालों से है, उनसे मुकाबला है हमारा। खा गए लूट कर देश को, हमारे देश के नेता इस देश में खाते हैं, इसीलिए उनके विदेश में खाते हैं। खाते का फर्क है बस, यहां खाते हैं वहां खाते हैं। तो कैसे बन जाती है प्रॉपर्टी, तब खजाना खाली क्यों नहीं होता? कैसे बन जाती है इनके स्विस बैंक के अकाउंट भर जाते हैं तब खजाना खाली क्यों नहीं होता? पब्लिक कुछ मांगे खजाना खाली। अरे भाई, खजाना भरने वाले लोग हैं उनको दो कुछ, बड़े बड़े वादे करते हैं पहले तो, ये कर देंगे वो कर देंगे, कुछ नहीं होता, कितनी देर चलेगा? लेकिन मैं आपको धन्य मानता हूं भाई, 27 साल हो गए पेड़ की पार्टी चल रही है, हर साल पेड़ भी पत्ते बदल लेता है, अब तो बदल लो। पेड़ को भी लगे कोई नई हवा का झोंका आया है, कोई नया सूरज उदय हुआ है, नई धूप आई है, पेड़ को भी लगे हाँ कुछ नया हो रहा है, नई लहर आई है। और पूरे गुजरात में ये लहर चल रही है, जहां भी जाते हैं लोग उमड़ के आते हैं, सड़कों पर लोग इधर भी और इधर भी, सिर्फ ये कहने के लिए कि घबराना मत, अरविंद केजरीवाल आपके साथ हैं। कहीं तो झाड़ू लेकर खड़े हो जाते हैं ऐसे, अपने घर का झाड़ू, और इस झाड़ू से हम पहले दुकान या मकान साफ करते थे, अब अरविंद केजरीवाल जी की अगुवाई में इस झाड़ू से पूरा हिंदुस्तान साफ किया जाएगा, पूरा हिंदुस्तान साफ किया जाएगा।